मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं इस घायल लड़की को, जिसे गोली लगी होती है। यह लड़की अपने कार से आगे बढ़ रही होती है। इसके पास एक गन और साथ में पैसों से भरा एक बैग भी होता है। इस बैग में करीब 50 लाख रुपए होते हैं। जब यह लड़की जंगलों से गुजर रही होती है तो इसके गाड़ी की टायर पंक्चर हो जाती है। अब यह लड़की गाड़ी को छोड़ पैसे और गन उठाकर सुनसान जंगलों में पैदल चलने लगती है। इसी जंगल में चार दोस्त मिलकर शिकार करने आते हैं और वह लड़की इन शिकारियों के गाड़ी के चपेट में आकर मारी जाती है। ये लोग उसे पास जाकर देखते हैं तो वो लड़की मर चुकी होती है। तभी उनमें से एक दोस्त जॉन की नज़र पैसों से भरे बैग पे पड़ता है। जॉन सबको बोलता है कि हम इस लड़की के लाश को ठिकाने लगाकर आपस में पैसे बांट लेते हैं। तो जॉन के साथ ट्रेविस और लियोनार्डो भी तैयार हो जाता है, लेकिन पॉल अभी भी यह नहीं चाहता था। फिर भी उसे साथ आना पड़ा। अब ये चारों शिकारी मिलकर उस लड़की के लाश को अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। ये लोग जानने लगते हैं, उससे पहले यहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ करने लगती है और गाड़ी चेक करने लगती है। तो जॉन पुलिस को ही गोली मार देता है। जॉन सनकी और जीती टाइप का आदमी है। अब यहाँ से सारे दोस्त निकल जाते हैं और जंगल के ही एक वीरान जगह पे स्थित एक घर में बसेरा करते हैं और उस लड़की के लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्लान करने लगते हैं। पॉल अभी भी ये सब करने के खिलाफ था। वो सबों से अलग दूर बैठ ये सब के बारे में सोच रहा था। इधर जॉन को पॉल पे शक था कि शायद ये किसी को कुछ बता न दे, तो वह उसका मोबाइल छिपा लेता है। ये चारों मिलकर आपस में काम कर तो रहे थे, लेकिन इन चारों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। जॉन सारे पैसे खुद हड़प लेना चाहता था और उधर पॉल को पहले से ही पता था कि ट्रेविस का उसकी पत्नी के साथ अफेयर है। तो पॉल ट्रेविस से नफरत करता था, लेकिन फिर भी चारों दोस्त थे। अब हम देखते हैं कि एक आदमी उसी जगह पे आता है जहाँ पे उस पुलिस वाले को मारा जाता है। इस आदमी का नाम सिडनी होता है। सिडनी उस जगह पे गिरे खून को चाटता है और ये उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे चारों दोस्त होते हैं। ये थोड़ा अजीब होता है क्योंकि सिडनी उन सारे दोस्तों के बारे में सब कुछ जानता है। वह ये जानता है कि जॉन इससे पहले भी एक लड़की को मार चुका है और ये भी जानता है कि ट्रेविस का पॉल की वाइफ के साथ अफेयर है। सिडनी उन लोगों के पास पहुंचता है और बताता है कि वो पैसों से भरा बैग मेरा है और मुझे लौटा दो, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और सिडनी को बंदी बनाकर रख लेते हैं। सिडनी उन लोगों को काफी समझाता है बट फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। जॉन को शक होता है कि सिडनी और भी लोगों को लेकर आया होगा, तो वह पॉल और लियोनार्डो को जंगल में ढूंढने भेजता है। पॉल और लियोनार्डो जंगल में देखता है कि पैर में फंसने वाले जाल बिछे हुए हैं और साथ ही साथ कुछ जानवरों के कंकाल भी पड़े हुए हैं। इन दोनों को जंगल में एक आदमी मिलता है तो उसे पकड़कर ले आते हैं। वह आदमी काफी गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहीं पास के जंगल में रहता हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी रहते हैं। मैं यहाँ पे घूमने आया था और मैंने ऐसा कंकाल देखा जिसमें 230 हड्डियाँ थी। पर जॉन को ये सब बकवास लगता है। दरअसल वह कंकाल एक वैम्पायर की थी, लेकिन जॉन इस पर ध्यान नहीं देता है और लियोनार्डो को उसे मारने बोल देता है। लियोनार्डो उस आदमी को मार नहीं पाता है तो जॉन लियोनार्डो को मारने की धमकी देकर उससे उस आदमी को मरवा देता है। लियोनार्डो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह एक आदमी को मारेगा। वह काफी दुखी था, साथ ही साथ जॉन से काफी गुस्सा भी, क्योंकि उसी ने उससे जबरदस्ती उस आदमी को मरवाया। अब ये सारे शिकारी उस आदमी को मारने के बाद घर में जाते हैं जहाँ पे सिडनी को कैद करके रखे होते हैं। सिडनी जॉन को समझाता है कि तुम्हें अब आदमियों को मारने में मजा आ रहा है, तुम जानबूझकर बिना गलती के भी लोगों को मार रहे हो और लगातार 3 लोगों को मार चुके। सिडनी बोलता है कि अभी भी मौका है, तुम हमें पैसे दे दो और चले जाओ। लेकिन जॉन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग गड्ढा खोदकर उस लड़की के लाश को दफना देते हैं।
और अब यहाँ से पैसे बांटकर जाने की तैयारी कर रहे होते। अब यहाँ पे सिडनी एक चाल चलता है जिससे ये चारों दोस्त आपस में ही लड़ पाते हैं। सिडनी बताता है कि जॉन एक सीरियल किलर है जो अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारकर उसे काट दिया है और वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जॉन के दोस्तों को ये सही भी लगने लगता है क्योंकि जॉन एक पर एक कत्ल किए जा रहा था और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी कत्ल करवा रहा था। यह सब सुनकर लियोनार्डो जॉन पे ही बंदूक तान देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन ने ही उससे उस जंगल वाले आदमी को मरवाया। अब जॉन उसे बातों में उलझा कर उससे बंदूक छीन लेता है और अब जॉन के पास बंदूक था और लियोनार्डो का सर निशाने पर। तभी ट्रेविस पीछे से आकर जॉन के सिर पे वार करता है और वह बेहोश हो जाता है। अब ये तीनों शिकारी पॉल, ट्रेविस और लियोनार्डो डिसाइड करते हैं कि पैसों को कहीं छिपा देते हैं और शांति से बैठकर चारों मिलकर बात करते हैं, उसके बाद पैसों के बारे में सोचेंगे क्योंकि जो भी हम दोस्तों के बीच हो रहा है वह पैसों की वजह से हो रहा है। तो पॉल पैसों को जंगल में छुपाने चला जाता है। इधर जॉन बेहोशी की हालत से उठता है और पॉल के पीछे जाता है पैसों को लाने के लिए। तो लियोनार्डो उसका पीछा करता है और उसे रुकने बोलता है पर जॉन नहीं रुकता है। तो लियोनार्डो जॉन के कंधे पे गोली चला देता है और जॉन वहीं पे गिर पड़ता है। अपने दोस्त पे गोली चलाने के बाद लियोनार्डो उदास बैठा होता है। इधर पॉल उन पैसों को एक पेड़ में छिपाता है और वापस लौटने लगता है। तब तक जॉन फिर से बेहोशी की हालत से उठता है और पॉल के पीछे जाता है। पॉल जब पैसे छिपाकर लौट रहा होता है तो जॉन उस पर बंदूक तानता है और पैसे कहाँ छिपाया ये बताने के लिए बोलता है। तो पॉल उसे उस पेड़ के पास ले जाने लगता है। रास्ते में पॉल काफी चालाकी से जॉन को उस रास्ते से लेकर जाता है जिसमें पैरों को फंसाने वाला जाल बिछा होता है और होता भी ऐसा ही है। जॉन का पैर उस जाल में फंस जाता है। अब पॉल उससे बंदूक छीनता है और उसे वहीं छोड़कर उस घर में आ जाता है। ये तीनों दोस्त यहाँ से निकलने का प्लान करने लगते हैं। उधर जॉन उस जाल से अपने पैरों को काफी मुश्किल से छुड़ाता है और पैसों को ढूंढने लगता है। जॉन को रास्ते में एक बंदूक भी मिल जाता है। इधर सिडनी फिर से इन तीनों दोस्तों को उकसाता है और आपस में लड़वाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। इस बार ट्रेविस सिडनी को गोली मार देता है और फिर तीनों दोस्त उस घर को छोड़कर बाहर जंगल की ओर निकल जाते हैं पैसों के पास। जॉन इन तीनों का पीछा करने लगता है। जॉन को अब किसी भी दोस्त पे भरोसा नहीं रहा। वह अब अपने दोस्तों को मारकर सारे पैसे खुद लेना चाहता है। अब शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने ही वाला था। अंधेरा होते ही हम देखते हैं कि वह आदमी सिडनी जिसे ट्रेविस गोली मार दिया था वह जाग उठता है बावजूद इसके कि इसे सिर में गोली मारा गया था। दरअसल सिडनी एक वैम्पायर है जो कि दिन में आदमी बना हुआ था और उन शिकारियों को कुछ नहीं कर पा रहा था लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो वैम्पायर में बदल गया और अब यह उन शिकारियों को नहीं छोड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही वो तीनों शिकारी पैसे को ढूंढ लेते हैं तो जॉन उन्हें मारना शुरू करता है। वह पहले ट्रेविस को गोली मारता है उसके बाद लियोनार्डो को भी गोली मार देता है। अब सिर्फ पॉल बचा होता है जो काफी चालाकी से जॉन को मार देता है। इसके बाद सिडनी यानी कि वैम्पायर उस जगह पे आता है और पहले लियोनार्डो का खून पीता है उसके बाद एक एक करके ट्रेविस और जॉन का भी खून पी लेता है। चूंकि पॉल जिंदा होता है तो वह वैम्पायर अपना खून पिलाकर पॉल को भी वैम्पायर बना देता है। अब पॉल भी इस जंगल में वैम्पायर बनकर घूमेगा और अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को अपने जाल में फंसाएगा। सिडनी पैसे लेता है और उस लड़की के गाड़ी पे पैसों को रखकर चला जाता है। अगले सुबह हम देखते हैं कि वही लड़की जिसे ये चारों शिकारी मिलकर दफनाए थे वो जिंदा थी और पैसे लेकर अपनी गाड़ी से चली जाती है। इसका मतलब ये लड़की भी वैम्पायर ही थी। इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। पूरी मूवी देखने के बाद हमें ये समझ आता है कि दरअसल ये पूरी चाल उन वैम्पायर की ही थी। वह लड़की जानबूझकर इन शिकारियों के गाड़ी के नीचे आती है और पैसों का लालच दिखाती है। वह पुलिस वाला भी वैम्पायर ही होता है।
साथ ही साथ सिडनी भी वैम्पायर ही होता है, जो इन शिकारियों को किसी तरह बातों में उलझा कर रात होने तक जंगल में रखता है और रात होते ही इनका शिकार कर लेता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर जॉन और उसके दोस्तों को पैसों का लालच नहीं होता तो वो सभी जिंदा होते हैं।